हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। इस हफ्ते रिलीज हुई है फिल्म भाग जॉनी, तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं फिल्म भाग जॉनी का। भाग जॉनी स्टार्स कुणाल खेमू, जोआ मोरानी एंड द न्यू कमर वंदना करीमी। ये फिल्म डायरेक्ट की है शिवम नायर ने, प्रोड्यूस्ड बाय टी सीरीज जो कि भूषण कुमार, किशन कुमार और विक्रम भट्ट ने। तो क्या है कहानी फिल्म भाग जॉनी की? भाग जॉनी कहानी शुरू होती है बैंकॉक पटाया में, यहाँ पर कुणाल खेमू एक फर्म के लिए काम करते हैं। कुणाल खेमू उस फर्म में शेयर्स की इंफॉर्मेशन चोरी करते हैं, उनको पता चल जाता है कि शेयर्स के भाव कब बढ़ने वाले हैं, कब गिरने वाले हैं, वो इन्फॉर्मेशन वो दूसरों को बेचते हैं। इसी दौरान उनकी जो कंपनी की मालकिन है मानसी स्कॉट, वो उनको पकड़ लेती है। इसके लिए वो उन्हें कहती है कि बैंकॉक में इस चीज़ की सज़ा को 10 साल मिलती है, 10 साल की सज़ा हो सकती है आपको, लेकिन मैं आपको सज़ा से बचा सकती हूँ, आप 3 दिन की छुट्टी के लिए पटाया जाइए। कुणाल खेमू को वो 3 दिन की छुट्टी के लिए पटाया भेज देती है। पटाया जाके उनको मिलते हैं असीम मर्चेंट। असीम मर्चेंट उनको फ़ोन देते हैं जिसपे मानसी स्कॉट कुणाल खेमू को बोलती है कि उनको एक लड़की का मर्डर करना है। मर्डर किसका करना है? जोआ मोरानी का। जोआ मोरानी का मर्डर करने के बाद वो उनको पासपोर्ट देगी और वहाँ से वो कहीं भी कोई भी देश में जा सकते हैं। कुणाल खेमू कहते हैं कि वो मर्डर नहीं कर सकते। तब कहानी असली में शुरू होती है। फिर क्या होता है, क्या कुणाल खेमू मर्डर करते हैं नहीं करते, इसके बाद एक बहुत ही भद्दा मजाक होता है ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के दिमाग पे गहरी चोट पहुंचती है। ऑडियंस को समझ में नहीं आता कि पागल हो गई है कि बेवकूफ़ बन गई है। उसी दौरान उनकी जो माँ रहती है इंडिया में, वो बाबा से प्रार्थना करती है और वो बाबा उनके लिए एक जीन भेजते हैं। जीन कौन है? विक्रम भट्ट। विक्रम भट्ट इतने बड़े डायरेक्टर फिल्म में जीन बन के आते हैं और कुणाल खेमू को बोलते हैं, देख मैं तुझे 2 राहें देता हूँ, एक तू लड़की को खून कर और दूसरा लड़की का खून मत कर, 2 जिंदगी जी, दोनों जिंदगी साथ में चलेगी। 3 शर्तें देते हैं वो उनको। पहली शर्त कि वो बाद में ये सब कुछ याद नहीं रहेगा, जिन के बारे में कुछ याद नहीं रहेगा उनको। और तीसरा, वो जो जिंदगी में मर जाते हैं, मतलब वो दोनों जिंदगी में अगर किसी एक जिंदगी में मर गए तो वो पूरी तरह से मर जाएंगे। तो ये कहानी है फिल्म भाग जॉनी की। कुणाल खेमू दोनों जिंदगी साथ में जीते हैं। पूरे ऑडियंस, पूरे दर्शक 2 स्टोरियां देखते हैं। ये एक बहुत ही पुरानी फिल्म रन लोला रन की कॉपी कही जा सकती है इसमें। और इसमें दिखाया जाता है किस तरह एक में एक जिंदगी में कुणाल खेमू उनका खून कर देते हैं और भागते हैं, और दूसरी जिंदगी में वो उनका खून नहीं करते लेकिन लड़की को लेकर भागते हैं। बहुत ही वाहियात कहानी है फिल्म की। आप पक जाओगे, ऑडियंस अपना सर फोड़ती है फिल्म में, इंटरव्यू होते होते आप परेशान हो जाओगे, भाग जॉइन नहीं भाग ऑडियंस होना चाहिए था। तो आइए आते हैं स्टारकास्ट पर। कुणाल खेमू, कुणाल खेमू सैफ अली खान से तो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनकी हाइट इतनी छोटी है अभी भी लगता है कि वो जख्म के बच्चे हैं। बॉडी अच्छी बना ली है, डायलॉग डिलीवरी भी काफ़ी अच्छी करते हैं, लेकिन एक हीरो मटेरियल जिसे कहते हैं वो कुणाल खेमू को नहीं कहा जा सकता। उन्होंने सोहा अली खान से शादी करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ा काम किया, सबसे बड़ा अचीवमेंट कहा जा सकता है उनको, आगे की ज़िंदगी सफल हो जाएगी। जोआ मोरानी, करीम मोरानी की जो बेटी है वो हीरोइन कम मर्दाना ज़्यादा लगती है। ऐसा लगता है कि एक पत्थर को खड़ा कर दिया है उसको लाली लिपस्टिक लगाकर और वो कुछ नहीं करती है। जो न्यू कमर है वंदना करीमी, वो तो ऐसा लगता है कि कुलावा में घूमते हुए कोई फॉरेनर को पकड़ के इन्हें ज़बरदस्ती शूटिंग करा दिया है। मानसी स्कॉट इज द ओनली सेवियर ऑफ दिस फिल्म, शी इज़ एब्सोल्युटली फैबुलस एज द बॉस ऑफ कुणाल खेमू। असीम मर्चेंट को इस फिल्म में बॉडीगार्ड दिखाया गया है मानसी स्कॉट का। बॉडी तो उस आम की चीज़ है ही नहीं इंसान में, इतना बड़ा पेट लेके खड़ा है वो, उसको बॉडीगार्ड बना दिया है। ऑल इन ऑल फिल्म एकदम डब्बा बंडल है। फिल्म क्यों देखें ये मैं आपको बताता हूँ। फिल्म के गाने, डैडी मम्मी घर पे नहीं बाय DSP जो कि तेलुगु गाने का कॉपी है, फिर फैबुलस, उसमें उर्वशी रौतेला इज लुकिंग लाइक अ मिलियन बक्स। इस गाने को देखने के लिए आप फिल्म देखने जा सकते हो। जोजो हनी सिंह का जो गाना है आंखों आंखों में, कुणाल खेमू मेक्स इज एंट्री फैबुलस। क्लाइमैक्स जो है काफ़ी बेहतरीन है, इस एक चीज़ के लिए आप जा सकते हो। कुणाल खेमू ने एक्शन फिल्म में अच्छा किया है। ऑल इन ऑल भाग जॉनी ऑडियंस को भागने में मजबूर करती है। मैं तो चाहता था ये फिल्म रिलीज ही ना हो, लेकिन अब जब हो गई है तो कोई देखने वाला भी नहीं है। मंडे से शायद फिल्म के शोज कैंसिल भी हो जाए, इसलिए मैं देता हूँ भाग जॉनी को 1। फिर इसे शर्म आ रही है 1 स्टार देने के, लेकिन फिर भी 1 स्टार दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स कीप वॉचिंग बॉलीवुड दिस वीक।